मेरे बाल यू बालू पर डाई करण है आलाल बाल वो बेच लगा दी लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और पत्नी प्रताड़ित पतियों को माफ कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह सुबह 7 बजे और यहाँ पे लग रहा है हल। मैं नीचे खेत में आ रखी हूँ मम्मी पापा और भाई को चाय देने के लिए, रोटी देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भैया हल लगा रहा है। एक खेत में लगा दिया है और एक में अब लगाएंगे। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ पे खेतों को कैसे बाया जाता है, प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगी स्टार्टिंग से, ठीक है। एक खेत पे तो लग गया है, एक खेत पे आधा हो गया है, एक ऊपर है, तो अभी दिखाती हूँ। लेट्स स्टार्ट इट। ये मेरा दादा भेजी हल लगाते हुए और ऐसे लेने ये दो बैल, इन पे यहाँ पे ट्रैक्टर नहीं आ सकता, इसलिए इस तरीके से अभी भी पुराने तरीके से लगाया जाता है हल। ये आखिरी काम हो रहा है इस खेत में, जोल लगनो जोल। बहुत थकान का काम है इस समय, बोल नहीं सकते अभी इस समय हम कुछ। और दांत, इनकी ज्वेलरी ये देखो, मांग टीका, खाकर गले में जो बांधा उसे बोलते खाकर। देख रहे कैसे देख रहा है मुझे, देख रहे ऐसे डरा रहा है मुझे। ओ भाई साहब भागो ऐसे डराते हुए। अभी इसके दादा शेखर क्या बोलते, मत बोला कर। देख रहे कैसे मार रहा है बदतमीज। टफी तो जा टफी, ये ऐसे लगाते हैं, ये बांध दिया। अब मैं देखो करीब नहीं जा सकती ज्यादा, क्योंकि फिर वो मेरे को मार खोले बाल दी भैया। ट्रेन दो, देखो पापा ने रोटी भी खा ली खेत में। हाँ पापा यहीं पे रख। हाँ ओ भी दाल की भरी हुई रोटी देखो ये भैया, ये तो भुक्कड़ है ये दादी रोटी दादी को दादी रोटी बांट रही है दादी रोटी बांट रही है क्या का अच्छा। हाँ तो इस समय आप देख सकते हैं गढ़वाल की जो परंपरा है खेती करने की, तो खाते इस समय रोटी खाते हुए जिसको हमारे यहाँ गढ़वाली में कलो रोटी के नाम से जाने जाते, तो यहाँ पर आज आंसू थोड़ा सा रेस्ट करती हुई और ये हमारे दादाजी दादी और चाचा जी यहाँ पर दादी। आप देख सकते हैं कि आधुनिक रूप में आप देख सकते हैं कितना चेंजिंग आया। तो ये आप देख सकते हैं कि भरी रोटी जो होती है ये इस समय खेत में आ रखी है। तो अब जो हमारे काश्तकार हैं वो काफी स्टैंडर्ड हो गए हैं, आप देख सकते हैं खेती काम चलता हुआ, और ये धीरे धीरे अभी बहुत सारी खेती करनी है। ये देख सकते हैं आप जिसको हम कहते हैं धान करना, यहाँ जो भी खेत में खरपतवार होता है उसको इकट्ठा कर दिया जाता है और उसके बाद उनको इस प्रकार से एक सामने खड़ा रख के फिर उन पर आग लगाकर उनकी खाद बनाई जाती है। ये हमारे गढ़वाली परंपरा है। आप देख सकते हैं इस समय मजे से रोटी का आनंद लेते हुए हमारे सभी किसान बंधु, और उसके बाद धीरे धीरे और खेतों में जाएंगे
और अब तो खेती का जो आलम है, मैं समझता हूँ किसान का पुत्र किसान बनने के लिए तैयार नहीं है, और यही कारण है कि बहुत सारी खेती है हमारे बंजर हो चुकी है। आपको थोड़ा सा एक खेती का नज़ारा दिखाता हूँ, ये मेहनत किस प्रकार से हो रही है। कांटे कूटे यहाँ पर हैं, लेकिन सफाई सुपाई नहीं हो पा रही है। तो आप देख सकते हैं, ये देखो पेड़ कितने सुंदर पेड़ है, कितनी अच्छी हरियाली है, कितना अच्छा सुंदर दृश्य है। समय कॉमेंट्री में खुद खाना खाने बैठ गए। मैंने कहा मैं भी देख लूं ढबेना रोटी कैसी होती है, क्या बोलते भरी रोटी कैसी होती है। शुद्ध गथों की रोटी अब आप लगा सकते हैं, ये दिल्ली वालों को या देहरादून वालों को कहाँ नसीब होगी, ये तो केवल हम ही नसीब होगी किसान पुत्र है, क्योंकि हम किसान पुत्र है। दादी क्या कहें छो दुबा धान का सोए ये तो मैं नया चीज देखो सब धान का नहीं है दादी है? ये कब आया भाई तो दिल खंड बोल दी है पुराने जमाने की जिम्मेदार होता है अनपढ़ बिच्छक है होता है ये डावा फोड़ दरिया में तो कुटल है देखी ना ये तो दिल की है अच्छा देखो दाजी पुराण से पुराण चीज धरी रहती दाजी पुराण से पुराण चीज धरी रहती म्याल हाँ सुंदर हाँ सही बात कमर भी नहीं पटार से आला गढ़वाली बोलते डावा क्या बोल दादी दादी पे सब कुछ हाय बोल हाय हाय बहुत सुंदर तीनों के तीनों देवरानी जेठानी क्या बोलो ना मिला गड़ा दिम ना घर रख सो आम घर रख आज दिम घर का ना सो आम आठ आम सो आ इंदी तो बाल लज्जा शक होना नहीं है और क्या काम तो गड़ा सो बे पर अब नहीं खाया अब वो इन्हें तो क्या खाना है तभी क्या मेरे बाल यू बालों पर डाय करण है आलाल बाल वो बेच लगा नहीं काला 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 अब वो ही सफेद तो दादा ये क्या हो रहा है ये समय खेती हो रही है और इस खेती में आजकल गेहूं तो नहीं बोए जाते क्योंकि गेहूं होते ही नहीं यहाँ बरसात होती नहीं ढंग की और बरसात पे ही पूरी खेती होती है तो दाल वगैरह वगैरह जो थोड़ा बहुत हो जाती है उसी को भी थोड़े बहुत रूप में यहाँ पर किया जाता है। तो आजकल खेती का समय है तो इस समय देख रही होगी कि सारी जगह खेतों में इस समय बैल दवाई बुताई कर और हमारे घर में तो महिला मंगल दल तो आती है नहीं खेतों में और स्वयं ही अपना करना पड़ता है क्योंकि महिला मंगल दल घर में है सब पत्नी प्रताड़ित पति हैं इसलिए क्या है सब पत्नी प्रताड़ित पति ये देख रहे हैं ये भाभी को दिखाऊंगी मैं भाभी को क्यों नहीं दिखाना है क्योंकि ये देख ले आप कि इतनी ये देखो धान धूं होनी थी पर वो कर ही नहीं रहे हैं वो कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है सब बंदर दादा दोनों काम साथ में कर रहे हैं हमें करना पड़ रहा है ये यहाँ पे ट्रैक्टर नहीं आ सकते भाई क्योंकि देख रहे हो खेत सीढ़ी नुमा खेती होती है यहाँ एक के ऊंचे एक रास्ते छोटे होते इसलिए ट्रैक्टर नहीं आ सकते।
तो चलो बहुत हो गया, मैं घर जा रही हूँ। मैंने कहा उठाओ मेरा काम तो खाना देना, मैंने दे दिया बस खिला भी दिया, अब मैं जा रही हूँ घर। ठीक है, इन्होंने तो नाश्ता कर लिया, मैंने कहा मैं बहुत शिकायतें हो रही है दादा की तरफ से, पुरुष बल काम नहीं करते आज। बस बस दादा बस, पुरुष भी काम करते हैं, पुरुष भी काम करते हैं, कभी हाल कभी एक आध दिन कर दे तो ऐसे सुनाते हैं, देखो कभी एक आध दिन करते तो ऐसे सुनाते है ना। तो चलो अब चलते हैं घर। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पत्नी प्रताड़ित पतियों को माफ कीजिए। पत्नी प्रताड़ित ये भाभी को दिखाया जाएगा, आज असली में प्रताड़ित होंगे। अभी तक तो प्रताड़ित नहीं, आज असली में प्रताड़ित होंगे। ओ बाय। पापा बहुत बिजी होते हुए, पापा हेलो हेलो।